चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 तक हम कर चुके हैं, आज है क्वेश्चन नंबर 36। एक धनराशि पर 2 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है, तो उसी धनराशि पर उसी दर से उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है भाई, यहाँ हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और हमें साधारण ब्याज पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो इसके 2-3 तरीके हैं क्या भाई। एक तरीका तो ये है कि हम इस दर को भिन्न में बदल लेंगे, 10% में परसेंट का चिन्ह टाइम के बटा में क्या लग जाएगा भाई 100, तो यह आ जाएगा 1/10। तो हमारी भिन्न कितनी बन गई भाई, भिन्न बन गई 1/10। ठीक है, अब हमने बात की थी भाई जितना समय है, समय कितना है भाई 2 वर्ष, तो नीचे वाली संख्या पर उतनी ही पावर लगा के और मूलधन मान लेंगे, तो 10^2 क्या होगी 100 होगी भाई, ये हम मान लेते हैं मूलधन, ये हम मान लेते हैं क्या भाई मूलधन। ठीक है, अब पहले साल इस पर 10% ब्याज मिलेगा, 10% भी कह सकते हैं, 1/10 भी कह सकते हैं, क्योंकि 10% को ही ये कहा है भाई, 10% का मतलब ही 1/10 होता है, तो चाहो तो इसका 1/10 निकाल लो और या फिर इसका 10% निकाल लो। तो पहले साल मिला ब्याज इतने रुपए 10, दूसरे साल 100 पर तो 10 मिलेंगे मिलेंगे भाई, पिछले साल के ब्याज पर 1/10 और मिलेगा भाई, तो 10 का 1/10 क्या आएगा भाई 1, 10 का 1/10 क्या आएगा 1, तो चक्रवर्ती ब्याज आया 10 और 10 20 और 1 21। चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया भाई 10 और 10 20 और 1 21, और जो मूलधन पर मिल रहा है 10 यहाँ और 10 यहाँ, तो 10 और 10 20 क्या हो गया साधारण ब्याज। समझ में आ रही है बात, 10 और 10 20 तो हो गया साधारण ब्याज और 10 और 10 20 और 1 21 क्या हो गया चक्रवर्ती ब्याज। अब हमें क्या दिया है देखो, चक्रवर्ती ब्याज दिया है, तो 10 और 10 20 और 1 21 का मान हमें दिया है कितना 420, 21 का मान हमें कितना दिया है 420, तो हमें साधारण ब्याज पूछ रहा है, मूलधन पूछता हम 100 का मान निकालते, साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज है 10 और 10 20, तो देखो इस 21 को किससे गुणा किया, इसने 20 से गुणा किया, 21 × 42 420 हो गया भाई, तो 20 को भी 20 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई 400, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 400। क्लियर है सभी को ये बात, ये तो हुआ एक तरीका, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, देखो तरीके सारे इम्पोर्टेंट हैं, आपको जो एग्जाम में याद आ जाए, जो समय पर याद आए वो सबसे बढ़िया है। देखिए भाई दूसरा तरीका, पहले साल तो उसे 10% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा भाई, पहले साल उसे 10% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे साल 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, पिछले साल के 10% का 10% और मिलेगा, तो आप इस 10% का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 1%। समझ में आ रही है बात, तो देखो ये 10 और 10 20 तो किस पर मिला है, मूलधन पे मिला है, तो ये तो होगा साधारण ब्याज, और ये टोटल क्या है चक्रवर्ती ब्याज, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 10 और 10 20 और 1 21, चक्रवर्ती ब्याज हो गया 21%, जिसका मान हमें दिया है 420, 21% का मान हमें कितना दिया है 420। ठीक है भाई, और 10 और 10 20% का मान निकालेंगे तो ये साधारण ब्याज आ जाएगा भाई, यदि मूलधन पूछता तो हम 100% का मान निकाल देते है ना, तो 420/21/20, 21 × 42 400, तो ये वही सवाल को करने का दूसरा तरीका, तो ये मेरा फेवरेट है, मुझे सबसे बड़ा यही तरीका लगता है भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें मूलधन पूछे मूलधन बता सकते हैं, साधारण ब्याज पूछे साधारण ब्याज बता सकते हैं, 3 साल का पूछे तो भी निकाल सकते हैं, 3 साल में क्या होगा यहाँ 10% मिलेगा, इन दोनों पे 1% मिलेगा, इस पर 0.01% मिलेगा, तो 33.1% हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भाई, तो इससे हम सारे तरीके से सारे हल कर सकते हैं सवाल। चौथा तरीका क्या है भाई, देखो साधारण ब्याज यदि आप 200 मानोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 200+10, यदि साधारण ब्याज आप 200 मानेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 200+10। समझ में आ रही है बात,
अब आप ये देखो, आपको कि ये केवल 2 वर्ष के लिए है भाई, ये चीज किसके लिए है, केवल 2 वर्ष के लिए, ये चीजें केवल 2 वर्ष के लिए है ना भाई। अब हमें क्या दिया है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 200 प्लस दर, तो 200 में 10 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 220, 210, और 210 का मान हमें कितना दिया है, 420। तो साधारण ब्याज पूछ रहे, साधारण ब्याज क्या होगा, 200, 420 बटा में, या आप ये लिखने की जरूरत मत किया करो, ये लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है, 210 को किससे गुणा करें, 420 आ जाए 2 से, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, 400 आ जाए। नोट करिए, तीनों तरीके इंपॉर्टेंट हैं, सबसे बड़ी सारे बढ़िया है भाई, जो आपको जिस तरीका आपको समझ में आ जाए वो बेस्ट है, एग्जाम में जो तरीका याद आ जाए वो सबसे बेस्ट, नोट करिए। कई लोगों के दिमाग में यार होगा ये 200 200 प्लस दर ये कहाँ से आया, तो मैं समझाता हूँ, देखो ये कैसे है। देखिए भाई हम क्या करते हैं, हम कोई भी मूलधन मान लेते हैं, क्योंकि मूलधन हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो केवल साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहे, तो मूलधन की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, मूलधन मान लेते हैं एक्स, ठीक है भाई। अब इस एक्स पर पहले साल का ब्याज हम 100 रुपए मान लेते हैं, पहले साल का ब्याज हम क्या मान लेते हैं, 100 रुपया, ठीक है भाई। एक्स कोई भी राशि हो, इसका कोई भी परसेंट 100 निकाल सकते हैं भाई, तो पहले साल 100 रुपए ब्याज मिलेगा, मान लो यहां दर आर परसेंट है, तो एक्स का आर परसेंट आ गया 100, दूसरे साल यहां तो 100 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पिछले साल के ब्याज पर ब्याज और मिलेगा, तो आर परसेंट मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा भाई, 100 का आर बटे 100 निकालोगे आर ही तो आएगा। तो देखो आप साधारण ब्याज कितना हुआ, 100 और 100 200, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 100 प्लस 100 प्लस आर, तो 200 प्लस आर, ठीक है भाई। तो ये इसी से आया ये फॉर्मूला ना, ये सब बेसिक से आते हैं भाई फॉर्मूले, कोई नई चीज नहीं है, सब चीज बेसिक से ही निकलती है, अगर आपका बेसिक मजबूत होगा तो आपको ट्रिक वगैरह कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी सवाल में यदि आप करते हैं एग्जाम में, तो इस तरीके से कितना आसान सवाल होता, कुछ भी नहीं लिखना था आपको, क्या लिखना था, देखो पहले साल 10%, अगले साल 10 मिलेगा 20, साधारण ब्याज होगा 20%, और 10% का 10% 1% और मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 21%, 21 का मान 420 है, 20 के गुणा किया, 20 को 20 से गुणा करेंगे 400। इस सवाल में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल आप मन में सोच करके इस सवाल का आंसर कर सकते थे, मैंने तो आपके लिए लिखा है कि आपको समझाने के लिए। अगला सवाल आप करेंगे और जल्दी से करेंगे, है ना भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे। इस बार दर दी हुई है 12% और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 2544 रुपए, 2544 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो हमें पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसके ऑप्शन से आपके 2400, 2480, 2440 करिए भाई फटाफट। तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। देखिए पहले साल ब्याज मिलेगा 12%, दूसरे साल 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, 12 का 12% 1.44% और मिलेगा,
भाई 12% का 12% निकालेंगे तो ये 12 12 144 के ऊपर आ जाएगा, और नीचे 2 0 तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा भाई, इतना जाएगा 1.44%। तो साधारण ब्याज कितना हुआ 12 और 12 24, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 12 12 24 और 1 25.44% का मान हमें दिया है 2544। ठीक है भाई, तो 12 और 12 24% का मान क्या होगा? तो देखो आप, या तो ऐसे कर सकते हैं बटा में ले जाएं 24 को गुणा कर दें, या आप देखो इसमें एक तो परसेंट का चिन्ह हटा दिया, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें परसेंटेज का चिन्ह हटा दिया हम भी हटा देंगे, फिर इसमें 100 से गुणा कर दिया तभी तो ये पॉइंट हट गया यहाँ से, इसमें 100 से गुणा कर दिया हम भी 100 से गुणा कर देंगे, तो उत्तर कितना जाएगा 24, तो आंसर कितना जाएगा 24। बहुत आसान सवाल है, दूसरे किसी तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे 200+10 वाले फॉर्मूले से करें यदि हम, तो 200 और 12 कितना हो जाएगा, 212% का मान हमें दिया है 2544, तो 200 200 का मान परसेंट लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, 2544 बटे 212 गुणा 200। ठीक है भाई, तो ये 12 बार घटेगा 2400 आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई से भी तरीके से कर सकते हैं, ये बेटर है, इसमें देखो डायरेक्ट ही 2544 का मान 2544 है। ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। यदि इस सवाल में मैं पूछता मूलधन बताइए, तो हम 24% की जगह 100% का मान निकाल देते हैं, 24% की जगह हम कितने का मान निकाल देते हैं, 100% का। क्वेश्चन नंबर 38, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 16 से 2/3% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज, अब की बार साधारण ब्याज दिया है भाई, साधारण ब्याज 600 रुपए है, साधारण ब्याज 600 रुपए है, तो उसी धनराशि पर उसी दर से उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है भाई, ऑप्शन से आपके 650, 780, सॉरी 670, 644। करिए फटाफट, देखिए 16 से 2/3% की यदि हम भिन्न बनाए, तो 16 3 48 और 2 50/3% का चिन्ह हटाएंगे, बटा में 100 से गुणा हो जाएगा, बटा में तो 0 से 0 कट गया, 5 6 30, तो भिन्न बन गई 1/6, भिन्न बन गई कितनी भाई 1/6। अब हम क्या करेंगे, जितने जितना समय दिया हुआ है नीचे वाली संख्या पर उतनी पावर लगा के मूलधन मान लेंगे, तो 2 पावर लगाई तो मूलधन कितना हो गया 36। ठीक है भाई, अब पहले साल क्या होगा, 36 का 1/6 कितना आएगा, 6 रुपये आएगा। देखो भाई ये निकालो एक ही बात है दोनों ना, दूसरे साल 36 का 1/6 तो 6 आ जाएगा, और 6 का 1/6 कितना आ जाएगा भाई 1, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 6 और 6 12 और 1 13, और साधारण ब्याज कितना मिला 6 और 6 12, तो 12 का मान हमें दिया हुआ है इस बार, 12 का मान कितना दिया हुआ है 600, तो 12 5 60 50 से गुणा किया होगा भाई, तो हमें किसका मान चाहिए 13 का मान चाहिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 6 और 6 12 और 1 13 ही तो है, 13 5 65, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा भाई 650 रुपये, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 650 रुपये।
बिल्कुल आसान सवाल थे। ऐसे सवालों में मूलधन भी पूछ सकता है। मूलधन पूछता हम 36 का मान निकाल देते, प्रतिशत वाले में 100% का मान निकाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। एक धनराशि का एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1200 रुपये, 832 रुपये है। तदनुसार राशि क्या है? वह मूल धनराशि क्या है? मैंने आपको कहा था इस सवाल में मूल धनराशि हो सकता है। पिछहत्तर सौ, 4000, 3000, 5000। करिए फटाफट। देखिए भाई, एक तो एक चीज ध्यान रखो, साधारण ब्याज जो है वो प्रत्येक वर्ष समान ही मिलता है। यदि पहले साल 200 रुपये आपको साधारण ब्याज मिला, तो हर वर्ष 200 रुपये ही मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में कभी भी ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, केवल मूलधन पे लगता है। और मूलधन जब तक समान रहेगा, तब तक हर वर्ष ब्याज की राशि क्या होगी? समान। ठीक है भाई, देखो 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो मैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालूं। 3 वर्षों का साधारण ब्याज है 1200 रुपये, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया भाई? 400 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया? 400 रुपये। माना हमने मूलधन था एक्स, मूलधन कितना था भाई? एक्स। तो पहले साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना था? 400। अब हमें पता नहीं कि ये एक्स का कितना परसेंट है, हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि पहले साल 400 रुपये ब्याज का मिला, दूसरे साल मूलधन पर तो 400 रुपये मिलेंगे भाई। अगर पहले साल मूलधन पे 400 रुपये मिले हैं, तो अगले साल भी मूलधन पर तो 400 रुपये ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है साहब कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तो 832 रुपये है। यहाँ 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना आ गया भाई? 800 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज ये भी 2 सालों का ही है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? पिछले साल के ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो इस 400 पर कितने रुपए ब्याज मिले होंगे? 32 रुपए। कितने रुपए ब्याज मिला होगा भाई? 32 रुपए। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि
दो सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 400 400 832 रुपए है, तो यदि दो सालों का साधारण ब्याज 400 400 800 रुपए हो गया तो इस ब्याज पर ब्याज कितना मिला है? 32 रुपए ब्याज मिला है। इस ब्याज पर ब्याज कितना मिला है? 32 रुपए। ठीक है भाई, अब देखो देखो यहाँ ये आर परसेंट है तो यहाँ भी तो ये आर परसेंट ही होगा भाई, दर तो समान ही रहती है। अगर ये आर ये एक्स का आर परसेंट है तो ये 400 का आर परसेंट है। समझ में आ रही है बात? सबको क्लियर है यहाँ तक? अब क्या लिखेंगे हम? चाहो तो हम दर निकाल सकते हैं या फिर हम सीधा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक्स का पहले हम दर निकालते हैं, हो सकता है इस सवाल में आपको दर भी पूछ ले। तो देखो 400 रुपये पर 32 रुपये ब्याज मिला, 32 रुपये ब्याज मिला 400 रुपये पर, तो 100 रुपये पर कितना मिलता? 8% भाई, 100 पर गणना करने को तो परसेंट कहते हैं, तो 8% ब्याज मिलता। यदि यहाँ पर दर 8% है तो यहाँ भी 8 ही रही होगी, अगर यहाँ पर दर 8% आ गई तो यहाँ भी 8 ही होगी। तो एक्स का 8% मिला था हमें जो कितना था? 400। एक्स का 8% मिला था जो कितना था? 400। तो 8 × 5 = 40, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5000। अब मेरा ये कहना है कि यदि आपको दर प्रतिशत नहीं पूछे, केवल मूलधन पूछे, तो आप सीधा करो इसको। कैसे करो? देखो 400 400 रुपए एक्स का जितना परसेंट होंगे, गुणा सौ लिखेंगे भाई परसेंट के लिए, लेकिन हम लिखेंगे नहीं यहाँ। क्यों? क्योंकि इधर भी गुणा सौ आएगा तो वो कट जाएगा। ठीक है, 400 रुपए एक्स का जितना परसेंट होंगे, 32 रुपए भी 400 का उतना ही परसेंट होंगे। देखो इसको ऐसे लिखे, 400 रुपए एक्स का इतना परसेंट है और यही आर, ये आर प्रतिशत आ जाएगा भाई, और 32 रुपए 400 का आर परसेंट है, तो ये 100 से 100 तो कट ही जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 4 से काटते हैं, 4 8 32, 8 × 5 = 40, 50 ऊपर चला जाएगा, ये सीधा ऊपर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5000। अब मेरा ये कहना है कि 100 क्यों लिखे फालतू में, कि भाई 400 एक्स का जितना परसेंट होगा, 32 भी 400 का उतना ही परसेंट होगा। ऐसा करने पर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई? 5000। आसान सवाल था एकदम। ये ध्यान रखना कि यहाँ एक तो आपको साधारण ब्याज देगा, साधारण ब्याज देने का मकसद ये है क्योंकि हर वर्ष साधारण ब्याज बराबर होता है। अब ये कभी 3 साल का देगा, कभी 5 साल का देगा, कभी 10 साल का भी देगा, तो घबराना मत। चक्र साधारण ब्याज कितने भी साल का हो उसमें साल से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का ब्याज हमें मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है, यहां 3 की बजाय 5 वर्षों का दिया है। पांच वर्षों का साधारण ब्याज दिया है 1500 रुपये और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 636 रुपये। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 636 रुपये। करिए फटाफट, बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन की कोई जरूरत है नहीं। हमें वैसे भी पूरा ही हल करना पड़ रहा है इसमें, तो ऑप्शन कोई काम की चीज नहीं है। सवाल इन पैसे सवालों में पूरा ही हल करना पड़ेगा। देखिए भाई, 5 वर्षों का साधारण ब्याज 1500 रुपये है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 300 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा भाई? 300 रुपये। ठीक है भाई, अब हम कहें कि राशि थी 100 रुपये, पहले साल ब्याज मिला 300, दूसरे साल इस पर तो 300 मिलेगा ही मिलेगा। सवाल कह रहा है कि 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 636 रुपये, तो देखो 600 तो हो चुके, 36 रुपये और ब्याज मिलेगा। ये ब्याज किस पर मिलेगा? पिछले साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा। पिछले साल ब्याज कितना था? 300 रुपये। अब हमें मूलधन पूछ रहा है, इसे तो हम लिखेंगे
कि 300 एक्स का जितना परसेंट है 36 भी 300 का उतना ही परसेंट है। 3 से घटेंगे 12 दिया 36, 12 से घटेंगे 25, तो ये आंसर हो जाएगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2500, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2500 रुपये। ठीक है भाई, अगर मूलधन पूछे तो आप दर मत निकालो बिल्कुल भी, है ना। देखो इन सवालों में कुछ भी नहीं करना होता, देखो केवल इतना सा लिखना था, 5 का भाग दिया 300 आ गया। ठीक है भाई, तो 300 एक्स का उतना ही परसेंट होगा, 300 300 600 हो गया 2 साल का, 36 जितना 36 300 का है, जितना 36 है 300 का है। समझ में आ रही है बात, नोट करिए फटाफट इस सवाल को, और क्वेश्चन नंबर 41 करिए। तीन वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपए है, 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपए है तथा 2 वर्ष का, अब यहां 2 वर्षों का नहीं दिया है भाई, 2 वर्ष का दिया है मैंने, चक्रवर्ती ब्याज 318 रुपए है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 318 रुपए है। करिए फटाफट, तीन वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपए है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा, 300 रुपए। इसमें दिया दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 318 है, तो दूसरे साल साधारण ब्याज तो 300 रुपए मिलेगा भाई। 18 रुपए जो मिले हैं ये किस पर मिले हैं, ये पिछले साल के ब्याज पर ब्याज मिला है। 18 रुपए क्या मिले हैं, तीसरे साल के ब्याज पर ब्याज मिला है, तो बोलेंगे 300 रुपए एक्स का जितना परसेंट है 18, 300 का उतना ही परसेंट है, तो 3 6 18, 6 5 30, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5000। नंबर 42, यदि किसी राशि पर 5% की दर पर का चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपए है तो धनराशि ज्ञात करें। तो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं भाई, क्या
या तो 5% की बिल बना लो, 1/20 बन जाएगी, 400 मूलधन मान लेंगे, या तो वैसे कर सकते हैं, फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, पहले साल ब्याज मिला 5%, दूसरे साल 5% तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, 5% का 5% 0.25% और मिलेगा, इस 5% पे 5% और मिलेगा ना भाई, 5% का 5% आप निकालेंगे तो 25% और 2.5 तो यहाँ 0.5 25 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 5 और 5 10 और 25 10.25% हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 10.25%। सवाल कहता है ये 10.25% कितने रुपए हैं, 328 रुपए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज 10.25 रुपए है, 25% है, जो रुपए में कितने के बराबर है, 328 के बराबर है ना, तो मूलधन पूछा है तो हम 100% का मान निकाल देंगे, तो 328 बटा में 10.25 गुणा में 100, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो और लग जाएंगी, 25 से काटेंगे 41 बार कटेगा, 25 125 25, ये 400 बार कटेगा, 41 से 8 बार कटेगा, 832, 4 8 32, 1 8 से गुणा करेंगे तो भी 8 जाता है, तो 8 बार कटेगा, ठीक है भाई। बिल्कुल आसान सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल आसान है, यदि आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लें, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल आसान होता है भाई। यदि किसी धनराशि पर दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपए और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन ज्ञात करें। देखो सेम वैसा ही सवाल है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 300। 2 साल का साधारण ब्याज 600 रुपए, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 300। तो दूसरे साल में तो साधारण ब्याज 300 ही मिलेगा, लेकिन ये कह रहा है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 600 नहीं, 615 है, इसका मतलब 300 रुपए पर 15 रुपए ब्याज और मिला है भाई, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज 300 300 615 रुपए होगा भाई। तो देखो मूलधन निकालना है, 300 एक्स का जितना परसेंट है 15, 300 का उतना ही परसेंट है, 3 5 15, 5 6 30, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6000, 3 5 15, 5 6 8 5 6 30, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6000, तो मूलधन था 6000 रुपये, मूलधन कितना था भाई, 6000 रुपये। इसमें दर पूछता तो बहुत आसान थी, दर कितनी आ जाएगी, 300, 3 5 15, 5% आ जाएगी भाई, 300 का आर परसेंट 15 रुपए है, तो 300 का 5% होता है 15, ठीक है भाई। आज की वीडियो का अंतिम सवाल है, बी ने ए से 5000 रुपए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए, साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए और उसने यह राशि
सी को 10% वार्षिक, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दे दी। यदि बी ने वह राशि दो वर्षों बाद सी से प्राप्त कर एक और लौटा दी, एक और लौटा दी तो बी का लाभ बताएं। देखो कितना आसान सवाल है, लेकिन लिखा हुआ कितना बड़ा है। ठीक है, सवाल बिल्कुल आसान है, लिखा हुआ बहुत बड़ा है, लेकिन आसान बहुत है। कैसे बहुत आसान है भाई? देखो बी ने ए से 5,000 रुपये 6% दर पर लिए उधार, तो 6% दर पर उधार लिए, 2 साल के लिए, 2 वर्ष बाद लौटा दी, तो बी ए को कितना ब्याज देगा? बी ए को ब्याज देगा 12%। बी ए को कितना ब्याज देगा? तो बी ए को ब्याज देगा 12%। ठीक है भाई, अब क्या हुआ? अब उसने क्या किया, सी को ये राशि दे दी 2 साल के लिए 10% दर पर, ये चक्रवृद्धि ब्याज है भाई, तो अगले साल में 10% मिलेगा, 10 का 10% एक और मिलेगा, तो टोटल कितना परसेंट मिलेगा? देखो सी से उसे मिला 21% पैसा, सी से बी को 21% ब्याज मिला, जबकि बी ने 12% ब्याज ही दिया ए को। बी ने 21% ब्याज लिया सी से, और बी बी ने ए को दिया कितना? 12, तो कितना लाभ हुआ उसे? 9% का। उसे कितने परसेंट ब्याज का लाभ हुआ? 9% ब्याज का लाभ हुआ, तो 5,000 पर 9% का लाभ हुआ, तो 5,000 का 9% निकाल देंगे। तो आंसर कितना आ गया? 450। ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपसे निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियोस रेगुलर देखिए भाई। शुरू वाली वीडियोस पर अच्छे व्यू आ रहे थे, लेकिन आजकल वीडियोस पर थोड़े कम व्यू आ रहे हैं, लगता है बच्चों का थोड़ा मोह भंग हो गया। इस समय को बर्बाद मत जाने दीजिए, लॉकडाउन है अभी 1 महीने लगभग और लगेगा कोचिंग खुलने में, हो सकता है उसके बाद भी और समय लगे, तो इसे इस समय को बुनाइए और वीडियोज देखते रहिए, तरीके से नोट करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, आप किसी भी बुक से उसके सवाल करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है।